जो हम एक्सरसाइज करेंगे उसका नाम है मिरर। इसमें तुम्हें करना यह होगा कि जो मूव मैं करूंगा एग्जैक्टली वही मूव तुम भी करोगे। जैसा कि मेरा ख्याल था। और अब जो हम एक्सरसाइज करेंगे उसका नाम है ट्रस्ट। इसमें तुम्हें करना यह होगा कि तुम अपनी आंखें बंद करोगे और जो मूव मैं कहूंगा वही करोगे। गुड। पोजिशन लेते, अपनी आंखें बंद कर लो। Free your mind. Good. Very good. एक तो मुझे किसी पार्टनर वार्टनर की जरूरत नहीं है और दूसरा लड़कियां लॉजिकल मसले हल नहीं कर सकती और तीसरा ये कोई एक्स फाइल्स थोड़ी है जो तुम एजेंट स्कली बनने के लिए आ रहे हो। एक मिनट, लड़कियां लॉजिकल मसले हल नहीं कर सकती, ये आप कौन सी सदी की बातें कर रहे हैं? हेलो, ये 21वीं सदी है सर। देखो, मेरे पास जो भी केसेस आते हैं मैं उन्हें अपने तरीके से अपनी रफ्तार पर हल करना पसंद करता हूँ। तो करो, मैंने तुम्हें कब मना किया, लेकिन अगर मैं तुम्हारी इन्वेस्टिगेशन में मदद कर सकूं तो हम ये केस जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। फरहान, वहीं कोई है? कौन है? कोई है? मेरी मदद करो यार, मैं बहुत बुरी तरह फंस गया। मेरा नाम फरीद शाह है, मैं
स्टेज पे प्लेस किया करता था। मेरा एक छोटा सा ग्रुप था और मैं उसका डायरेक्टर था। हम लोग जगह जगह परफॉर्म किया करते थे। इस ग्रुप में मेरी मंगेतर सानिया भी थी। एक दिन एक नए लड़के ने इस ग्रुप को ज्वाइन किया। मैंने कुछ बेसिक एक्सरसाइजेस तो मैं करा दी आप लोगों को माइंड की। अब आप में से कोई से दो खड़े होकर मुझे मिरर की एक्सरसाइज करो। आप भी आए चलो जी। वैसे वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर, आपका थिएटर ग्रुप ज्वाइन करना था तो हम क्या करें? आप भेजे और क्या करें? अच्छा हाँ भेजे भेजे। लेकिन बाद में यकीन हो गया कि वो लड़का मुसलसल सानिया को घूरता रहता है। सानिया भी उसको देखती रहती थी। सानिया से इसका कहा भी लेकिन वो हमेशा ये जवाब देती है। तुम क्या बकवास कर रहे हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। तुम मुझ पर शक कर रहे हो? How dare you? आहिस्ता आहिस्ता हम दोनों दूर होते गए और बिलाखिर हमारी मंगनी टूट गई। ये एक चेक है उस लड़के के नाम। इसकी बैक साइड पर उसका एड्रेस और आईडी कार्ड नंबर वगैरह लिखा है। ये प्लीज उसकी फैमिली तक पहुंचा देंगे? आप उस लड़के से कहें कि वो आकर खुद ले जाए। मैं उस लड़के को ट्रेड सेंटर से नीचे धक्का दे चुका। इस बात का इल्म पुलिस को है? प्लीज पुलिस को इन्वॉल्व ना कीजिएगा। मेरे जहन पे पहले बहुत दबाव है, मेरी जमीन पे बहुत बोझ है। अगर ये रकम आप उसके घर तक पहुंचा दें तो मेरा जमीन जरा हल्का हो जाएगा। प्लीज बहुत मुश्किल में हूं। ये तो बहुत उलझा हुआ केस है, पुलिस को इन्फॉर्म करना ही पड़ेगा। तुम इसको बातों में लगाओ, मैं पुलिस को फोन करती हूँ। ये चेक उस लड़के तक पहुंचाकर हमें पुलिस के पास जाना है और फिर फरीचा के घर जाकर उसे अरेस्ट करवाना है। इस चेक के ऊपर उस लड़के का एड्रेस और फरीचा का भी एड्रेस है ना? हाँ, मगर उस लड़के का घर कौन सा है? 100 एज, ये देखो 99 एंड दिस मस्ट बी 100। ये कैसे हो सकता है? मैं उसको गलत एड्रेस दे दिया।
देखते कुछ नहीं है, परीक्षा साइको किस्म का है, उस लड़के के कत्ल के बाद हमारे पीछे ही ना पड़ जाए। Clever girl. हमें कोई मालूमात हासिल नहीं हो सकी। इसके पीछे जो नंबर लिखा है, हुकूमत के रिकॉर्ड में इसका कोई इंदराज नहीं है। मगर ऐसा कैसे मुमकिन है? आपके सामने है। इस चेक के पीछे जो नंबर लिखा है, वो तो किसी नंबर की सीरीज से मैच ही नहीं करता। शायद आप लोगों के साथ किसी ने मजाक किया है। चंद दिन पहले ट्रेड सेंटर की छत से गिरकर एक लड़के की मौत हुई थी, उसकी रिपोर्ट तो होगी आपके पास? जी नहीं, पिछले दिनों में ऐसा कोई केस हमारे पास रिकॉर्ड के लिए नहीं आया। लेकिन वो कत्ल का केस था, ये कैसे हो सकता है कि आपको इतला ना हो? सड़क पर एक डेड बॉडी पड़ी हो और पुलिस को खबर तक नहीं, इम्पॉसिबल। देखें जी, शहर में आज इन कत्ल वगैरह के हादसे होते रहते हैं। जरूरी नहीं है कि सब केसेस का रिकॉर्ड पुलिस के पास मौजूद हो, ये केस भी शायद उन्हीं में से एक है। रिकॉर्ड्स के मुताबिक उस लड़के के बारे में कुछ मालूम नहीं, और फरीद शाह के कत्ल की रिपोर्ट है आपके पास? बॉडी को ऑटोप्सी के लिए भेज दिया गया है, और हाँ, घर में आप लोगों के अलावा किसी और के फिंगरप्रिंट्स नहीं मिले। आप लोग जाकर आराम कीजिए, जैसे कोई इत्तला मिलेगी हम आपको बता देंगे। और हाँ, कातिल को गिरफ्तार करना और सजा दिलवाना कानून का काम है, और कानून अपना काम करना अच्छी तरीके से जानता है। अंग्रेजी में इस किस्म की सिचुएशन को डेड एंड बोलते हैं। एक गुमनाम चेक, गलत एड्रेस और एक ऐसा लड़का जिसका वजूद खुद एक मामा है, और जिस किसी को इसकी मालूमात हो सकती थी, यानी फरीद शाह, वो खुद कत्ल हो गया।
ये बहुत अजीब केस है। अब क्या करें? Any idea? कोई ना कोई रास्ता तो जरूर होगा जहां से हमें कोई इंफॉर्मेशन मिल जाए। There is no way out. There is always a way out. सोचो, थोड़ा दिमाग पर जोर डालो। जरा मेरी याददाश्त रिफ्रेश करो, इस केस के हकायक शुरू से दोहराओ। कभी कभी कोई बहुत अहम बात जो वाज़े हो आंखों से छुपी रहती है। ओके, हमारे पास फरीद शाह नामी एक शख्स आया जिसने हमें एक चेक दिया। वो हमारे पास ही क्यों आया? आई मीन तुम्हारे पास ही क्यों आया? किसी और के पास क्यों नहीं गया? एक तो उसका इस शहर में कोई और वाकिफ नहीं है, दूसरा हो सकता है कि अखबार में मेरे पिछले किसी केस के बारे में पढ़कर अपनी कम अकली की वजह से मुझसे मुतासर होकर आ गया हो। लॉजिकल इनफ। वो चेक हमारे पास छोड़कर अचानक गायब हो गया, और जो चेक जिस लड़के के नाम का था उसका कत्ल खुद फरीद शाह ने किया था, ट्रेड सेंटर की छत से गिराकर। कत्ल की वजह? हसद और जलन। फरीद शाह ये सोचता था कि उस लड़के और उसकी मंगेतर सानिया के दरमियान कोई ताल्लुकात कायम हो रहे हैं। आगे? फरीद शाह पुलिस के डर से छुपता फिर रहा था, और साथ ही साथ एक कत्ल का जुर्म उसके ज़मीर पर बहुत भारी था। उसका ज़मीर उसे जीने नहीं दे रहा था। फरहान, क्या ये वाकई मुमकिन है कि एक शख्स पहले तो इतना बड़ा जुर्म करे और बाद में अपने ही ज़मीर के हाथों मजबूर होकर किसी मुसीबत में गिरफ्तार हो जाए? इट्स पॉसिबल। आगे? जब हम वो चेक लेकर उस लड़के के घर पहुंचे तो वहाँ कोई घर नहीं था, वो एक खाली प्लॉट था, और उसका आईडी कार्ड नंबर भी गलत था। जब हम ये मालूमात लेकर फरीद शाह के घर पहुंचे तो किसी ने उसका भी कत्ल कर दिया था। और इससे आगे हमारे पास कोई मालूमात नहीं है। Desperate times call for desperate measures. I think there may be a shot in the dark. शायद तीर निशाने पे लगे। क्या परीक्षा का घर है? शाह के बारे में कुछ जानती हैं आप? शाह उसकी बूढ़ी माँ के कभी कोई उसका रिश्तेदार आते हुए नहीं देखा। तो उसकी बूढ़ी माँ के अलावा उनके अलावा कोई और जानने वाले थे उनके? शाह की बूढ़ी माँ के घर। पता करके आता हूँ।
फरीद शाह की अम्मी का घर का पता है आपको? अस्सलाम वालेकुम जी। सानिया बीबी हैं घर पे? यहाँ कोई सानिया बीबी नहीं रहती। देखिए देखिए, उनसे कहिएगा कि उनके मंगेतर की तबीयत बड़ी खराब है, मैं उनके लिए एक पैगाम लेके आया हूं। मेरे नौकर ने मुझे बताया था कि आप फरीद का कोई पैगाम लेकर आए। जी, मेरा नाम फरहान है, मैं डेली ट्रिब्यून के लिए वीकली आर्टिकल्स लिखता हूँ। जर्नलिज्म के साथ साथ मैं क्राइम इन्वेस्टिगेटर भी हूँ। That sounds exciting. तो आपका इधर कैसे आना हुआ फरहान? जी, first of all, I'm sorry, मैं आपको बगैर बताए ही आ गया। जी, और मैं बगैर इतला दिया आने वालों से मिलती रही हूँ। मेरे नौकर को खास इंस्ट्रक्शंस हैं कि वो ऐसे गेस्ट्स को बिल्कुल ना आने दें। जी, आपकी शक्ल से लग रहा है कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है। फरीद से मंगनी टूटने के बाद आप शायद। फरीद का क्या पैगाम है? I don't know how to tell you this, Miss Sania, but Fareed is dead. He's been murdered. मैं उसके कत्ल के केस की इन्वेस्टिगेशन कर रहा हूँ। मेरे पास कोई क्लू, कोई मालूमात भी नहीं है। I need your help. मैं बाद में आ जाऊंगा। It's okay. अगर आपको ज्यादा एतराज ना हो तो मैं फरीद के बारे में कुछ सवाल आपसे पूछना चाहता था। हाँ
हम लोग रिहर्सल्स करते थे। कुछ हफ्ते पहले उसकी माँ का इंतकाल हुआ और उसके बाद वो बिल्कुल बदल गया, लड़ाका हो गया, बात बात पर झगड़ना, मुझ पर शक करना, and he even started having medicines. उसकी पिछली जिंदगी के बारे में कुछ पता है आपको?